बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आपको पहले ये बताता चलूं, ये जो लेक्चर आपको डिलीवर किए जा रहे हैं ये श्रीवीर पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल से आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आप लेक्चर को देखें भी और सब्सक्राइब करें और बेल का बटन भी प्रेस करें ताकि ये लेक्चर आप तक मुसलसल पहुंच रहे और इसको दोस्तों पहुंचाने की कोशिश भी करें। आज हमारा टॉपिक जो है वो मैथमेटिक्स में क्लास 8 के अंदर वो चैप्टर नंबर 3 का ही है। इसमें हमारे पास सबसे पहले आ रहा है बाइनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन। एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन बेटा, हम जानते हैं कि बाइनरी नंबर की बेस जो है वो 2 होती है, डेसिमल नंबर की बेस 10 होती है। डेसिमल नंबर में जब कोई कैरी लिया जाता है तो वो 10 की शक्ल में होता है और जब हमारे पास बाइनरी नंबर में जो कैरी होगा वो 2 होगा। एक टेबल में आपके सामने लिखता हूं जिससे आपको इंशाल्लाह ये बात क्लियर होगी कि हम जो है वो किस तरह एडिशन कर सकते हैं। 0+0 ये 0 आ जाएगा, 2 कॉलम को ऐड करना है। 0+1 ये 1 आ जाएगा, 1+0 ये 1 आ जाएगा, 1+1। अब ये 1+1 जो है ये 2 बनता है और 2 जो है हमारा कभी भी बाइनरी नंबर्स में नहीं लिखा जाता, लिहाजा 2 को हम 2 में डिवाइड करेंगे। 2 रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो बेटा इसको हम क्या लिखेंगे, 1 और 0 ब्रैकेट में इसके आगे सबस्क्रिप्ट के अंदर बेस लिखी जाएगी। इस तरह हमारे पास जो है ये एक सब्ट्रैक्शन का टेबल है जो आपको एडिशन का टेबल है जो आपको बेटा 2 बार नंबर को ऐड करने का मेथड बताता है। इसी एग्जांपल नंबर 10 आपके सामने करता हूं। एग्जांपल नंबर 10, फाइंड द सम ऑफ 111, फाइंड द सम ऑफ 111 बेस 2 एंड 10 बेस 2। इन दो नंबर को हमने बेटा ऐड करना है जी। यहाँ पे पहले नंबर को ऊपर लिख लें 111, दूसरे नंबर को बेटा ये राइट साइड पे उस नंबर के लिखा जाएगा। इन दो नंबर को हमने ऐड करना है, इनकी बेस हमारे पास 2 है। 1 को 1 में ऐड करेंगे, 1 को 0 में ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को 1 में ऐड करेंगे तो 2 आएगा। 2 को हमने डिवाइड किया, 2 पे 10 आ गया, यहाँ पे रिमाइंडर लगेगा, रिमाइंडर यहाँ पे लगेगा। जो क्वेश्चन होगा वो अगले दिन में जाके ऐड हो जाएगा। यहाँ 1 आएगा, 1+1 ये फिर क्या बनेगा, 2। 2 को फिर हमने डिवाइड किया 2 पे तो 0 आ गया। यहाँ पे जो 1 आगे क्वेश्चन था वो आगे शिफ्ट किया बेटा, वो यहाँ लिखा रहेगा। इसकी बेस हमारे पास जो होगी वो 2 होगी, इसकी बेस हमारे पास होगी वो क्या होगी, वो 2 होगी। तो ये चीज आपने यहाँ पे देखनी है कि जब भी कोई डिजिट जो है 2 या 2 से बढ़ जाए तो उसका यहाँ पे रिमाइंडर लिखना है, क्वेश्चन को अगले डिजिट के लिए हमने शिफ्ट कर देना है। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर एक और लिखी है, एग्जाम्पल नंबर 11, वो भी आपके सामने रखता हूँ। एडिशन किया वो भी, एग्जाम्पल 11 जी, सॉल्व इसको सॉल्व करना है। 1 0 1 1 0 1 1 1 ये 8 डिजिट है, इसकी बेस 2 है, इसमें ऐड करना है हमें बेटा 1 0 0 0 1 1 और इसकी बेस क्या है वो भी 2 आ गई। अब इन दोनों को ऐड करने के लिए उसी तरतीब से लिखते हैं पॉजिटिव फॉर्म में, यह देगा 1 0 1 1 0 1 1 1 जी। ये कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, तो हम राइट से शुरू करेंगे 1 1 0 0 0 1, इसको ऐड करते हैं हम जी। 1+1 2 आ गया, 2 को 2 पे डिवाइड किया तो 1 आया, रिमाइंडर 0 बचा, यहाँ पे 0 लगा दिया। अब ये 1 आ गया ऐड होगा, तो ये 1+1+1 क्या आएगा, 3। अब हमने 3 को डिवाइड करना है 2 पे, 3 को 2 पे डिवाइड किया, 2 1 2 रिमाइंडर 1 बचा। अब यहाँ पे रिमाइंडर 1 लगेगा और क्वेश्चन आगे भी जाके ऐड हो जाएगा। ये 1+1 फिर 2 होगा, 2 में 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा, क्वेश्चन आगे चला जाएगा।
तो ये हमारे पास एज इट इज 1 आ जाएगा, 1 प्लस 0 ये भी 1 आ गया, ये 1 प्लस 1 2 होगा, 2 को फिर हमने डिवाइड किया, रिमाइंडर यहाँ पे 0 लगा, 1 आगे चला गया, 1 0 में ऐड हो गए, ये 1 आ जाएगा और ये बेटा आपके सामने 1 आ जाएगा। इस तरह इसकी बेस है वो भी 2 होगी। तो बाइनरी नंबर्स को ऐड करने का बेटा ये आसान तरीका है। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखिएगा कि उसमें जो है डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास जो वैल्यू होता है वो 10 होता है, यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो आपका कैरी होगा वो आपका 2 होगा। ये मैंने आपके लिख दिया, इसको जरा आप नोट कर लें, फिर मैं आपको सब्ट्रैक्शन करवाता हूँ। जी बेटा एग्जाम्पल नंबर हमारे पास 13 है, 12 जिसमें सब्ट्रैक्शन के अंदर लेगा, आपको समझाता हूं मैं। एग्जाम्पल नंबर 12 जी बेटा इसमें है फाइंड 101 बेस 2 माइनस 11 बेस 2, जिसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं 10111। यहां से 1 से 1 हमने माइनस किया, ये तो ऑलरेडी 0 आ गया। अब ये 0 छोटा होता है और 1 बड़ा होता है, तो क्या करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर वैल्यू लेते हैं ना, वहां पे वैल्यू जो होता है वो 10 होता है, और यहाँ पे जो हमारा वैल्यू होगा वो आपका 2 होगा। डेसिमल नंबर सिस्टम वही वैल्यू 1 10 फ्रॉम दी नेक्स्ट कॉलम फॉर सब्ट्रैक्टिंग अ ग्रेटर नंबर फ्रॉम दी स्मॉलेस्ट नंबर। सिमिलरली इन बाइनरी सिस्टम वही वैल्यू 1 2 from the next column in the second column 1 cannot be subtracted from 0, so we value 1 from the third column। हम क्या करेंगे बेटा, third column से एक value लेंगे, वो value देना कि क्या बनेगा, वो 2 बनेगा। जैसा decimal number system के अंदर जब value 1 लेते हैं वो 10 होता है, यहाँ पे जब value 1 लेंगे तो वो यहाँ पे 2 बनेगा, 2 में से 1 subtract किया बाकी क्या बचेगा 1, यहाँ पे 0 रह गया, तो हमारा इस तरह जो है इसकी बेस क्या आ जाएगी बेटा, वो 2 आ जाएगी। एक और एग्जाम्पल यहां पे एग्जाम्पल नंबर 13 गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 13 सब्ट्रैक्ट 1101 बेस 2 फ्रॉम 10011। कहते बेटा इसको सब्ट्रैक्ट करें इस वैल्यू में से, ज्यादा जिस वैल्यू में सब्ट्रैक्ट करना है वो ऊपर देखेंगे 10011 और 1101, ये बेटा इस तरह ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे, 1 में से 1 माइनस किया ये 0 आ गया, 1 में से 0 माइनस किया ये 1 आ गया। जी यहाँ पे वैल्यू जरा देना काम है, ये इधर से वैल्यू लेने गया, ये पहले ऑलरेडी 0 था, यहाँ पे वैल्यू लेने गया, इसने यहाँ से वैल्यू लिया, यहाँ पे 2 आ गया, इस 2 में से वैल्यू यहाँ पे गया, ये 2 आ गया और यहाँ पे 1 रह गया, यहाँ पे 1 रह गया। अब इस 2 में से 1 निकला बाकी 1 आ जाएगा, 1 में से 1 0 और ये ऑलरेडी 0 है, ज्यादा मजीद इसको करने की जरूरत नहीं, हम इस पर यहीं पे आंसर लिख देंगे 110। जी बेटा इससे आगे हमारे पास जो मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन के अंदर दो कारों को हम इसको टेबल की शक्ल में पहले आपके सामने मैं लिखता हूं, मल्टीप्लीकेशन ये भी टेबल की फॉर्म में गिवन है। जी हमने क्या किया, यहां 3 रो 3 कॉलम का टेबल ड्रॉ किया, 0101 यहां पे आएगा मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन था यहां आ जाएगा, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें 0, 1 को 0 से 0, 1 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा बेटा, ये हमारे पास 1 आ जाएगा। एग्जांपल नंबर 14 में हमें वो दो वैल्यू दे रहे हैं इनको मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या है वो, एग्जांपल नंबर 14 आपके पेज नंबर 45 पे लिखी हुई है, कहते हैं मल्टीप्लाई
इसको मल्टीप्लाई करें, वन 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 बेस टू बाई वन जीरो बेस टू, वन वन को ऊपर लिख दिया और वन जीरो को नीचे। जी जिस तरह आम मैथमेटिक्स में करते हैं, पहले पहले जीरो को तमाम डिजिट से ऊपर वाले से, जीरो को वन से जीरो, जीरो को वन से जीरो। जी पहले डिजिट के नीचे एक क्रॉस साइन, जी फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, वन को वन से करेंगे तो वन, वन को वन से करेंगे यहाँ भी वन आएगा। अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं, ये जीरो ये वन और ये भी वन आ जाएगा, ज्यादा हमारे पास सही आंसर आएगा वो यू आ जाएगा। इस तरह मल्टीप्लीकेशन जो है वो मैंने आपको टेबल की फॉर्म में भी बताई है बेटा, और मल्टीप्लीकेशन को मैंने आपको दो वैल्यू मल्टीप्लाई करके भी दिखा दी है। अब इसको अगर आप नोट कर लें फिर मैं आगे करवा दूं। जी बेटा ये एग्जांपल नंबर 15 है, सॉल्व 110111011, इसको मल्टीप्लाई करना है 10101 से। जी इसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं 110111011। फिर अब यहाँ से लिखिएगा, हर डिजिट के नीचे डिजिट आना चाहिए, डिजिट आगे पीछे हो गए तो मान लीजिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। 10101, जी इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसकी मल्टीप्लीकेशन बहुत आसान होती है, आंसर क्या तो जीरो आता है या वन आता है। वन को वन से मल्टीप्लाई करें वन, वन को वन से वन, वन को जीरो से जीरो, वन को वन से वन, वन को वन से वन, फिर जीरो वन और ये वन। पहले के नीचे क्रॉस लगा दें वन के नीचे, अब जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे सारी वैल्यूज जीरो हो जाएंगी, जीरो 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 और ये जीरो। फिर हम इसको दो दफा क्रॉस करेंगे, दो डिजिट क्रॉस होते हैं आम मैथमेटिक्स की तरह। अभी वन को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा जी वन, फिर वन जीरो वन वन, फिर जीरो वन और ये वन आ जाएगा। फिर तीन वैल्यू के नीचे क्रॉस लगाएंगे तो हमारा फिर जीरो वैल्यूज है, सारी वैल्यू जीरो हो जाएंगी, जीरो 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 और ये जीरो आ जाएगा। फिर चार वैल्यूज के नीचे क्रॉस लगाया जाएगा, क्रॉस की जगह जीरो पे लगाया जा सकता है जैसा कि आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। वन को इसे मल्टीप्लाई करेंगे, वन वन जीरो वन वन जीरो वन और वन। बड़े ध्यान के साथ आपने इसको करना है, एक कोई डिजिट आगे पीछे ना हो रहे। अब इन आम मल्टीप्लीकेशन की तरह इनको ऐड करेंगे, ये वन आ जाएगा बेटा, ये भी वन आ जाएगा, ये भी वन आ रहा है, ये वन प्लस वन टू। जब वन प्लस वन टू होता है तो मैंने कहा था टू यहाँ लिखा नहीं जाता, टू को टू पे डिवाइड करेंगे वन जीरो आ जाएगा। यहाँ पे बेटा जी हमारे पास जीरो बचेगा और वन कैरी आगे चला जाएगा, वन प्लस वन और अरे कैरी क्या आ जाएगा हमारे पास थ्री हो जाएगा। अब थ्री को डिवाइड करेंगे टू पर तो इसका क्वेश्चन भी वन और रिमाइंडर भी वन आएगा, ज्यादा यहाँ पे रिमाइंडर वन आ गया, क्वेश्चन आगे जाएगा वो फिर थ्री बनेगा, थ्री का फिर मेरे पास बेटा रिमाइंडर वन यहाँ लगेगा, क्वेश्चन आगे जाएगा फिर वो थ्री बनेगा और फिर बेटा यहाँ पे रिमाइंडर वन फिर लगेगा, फिर आगे थ्री बन रहा है रिमाइंडर वन, फिर थ्री बन रहा है रिमाइंडर वन। अब रिमाइंडर और ये कितना आ जाएगा टू हो जाएगा, टू का रिमाइंडर यहाँ पे जीरो लगेगा, फिर एक कैरी और टू का रिमाइंडर क्या आ जाएगा जीरो, फिर टू का रिमाइंडर जीरो और लास्ट में क्या आ जाएगा वन। इस तरह बेटा हमारी ये मल्टीप्लीकेशन है वो कंप्लीट होती है बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर। अब इसको भी जरा नोट कर लें फिर इंशाल्लाह हम इस फाइल की तरफ चलते हैं।
जी बेटा, ये हमारे पास अब नया टॉपिक है BA5 के एडिशन, सबट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करनी है। बेटा बिल्कुल जिस तरह आपने मान्य नंबर के अंदर किया, उसके अंदर हमने दो नंबर को जब ऐड किया तो नंबर जब दो से एक्सीड कर गया तो हमने उसको डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर को आंसर में लिख दिया और क्वेश्चन को अगले डिजिट में ऐड कर दिया। यही बेटा मेथड यहाँ पे होगा, वहां पे बेस टू थी, यहाँ बेस फाइव है। यहाँ पे जब भी दो नंबर को ऐड करने से आंसर फाइव या फाइव से एक्सीड कर देगा हम उसको फाइव पे डिवाइड कर लेंगे, क्वेश्चन को यहाँ लिखेंगे, रिमाइंडर को यहाँ लिखेंगे, क्वेश्चन को अगले डिजिट के लिए शिफ्ट कर दिया जाएगा। जी पहले तो मैं इसको ऐड करता हूँ, ये टेबल आपके सामने है। बेस फाइव के अंदर पांच डिजिट होते हैं 0, 1, 2, 3, 4। इसको बेटा हमने हॉरिजॉन्टल पोजीशन में भी लिख दिया, इसको वर्टिकल फॉर्म में भी लिख दिया। अब रो और कॉलम को ऐड करते रहेंगे, जहां पे वैल्यू फाइव या फाइव से बढ़ जाएगी वहां उसको फाइव पे डिवाइड करके आंसर लिखेंगे, और जहां बेटा वो आपका फाइव से कम होगा वो वैसे ही लिख दिया जाएगा। 0 + 0 0 आ जाएगा, 0 + 1 1 0 + 2 2 0 + 3 3 0 + 4 4 आ जाएगा, 1 + 0 ये आ जाएगा जी 1 1 + 1 2 1 + 2 3 1 + 3 4 जी 1 + 4 बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा ये 5। मैंने कहा था 5 या 5 से बड़ी रकम आएगी उसे डिवाइड किया जाएगा, 5 1 5 या 0 आ जाएगा। तो यहाँ बेटा 5 लिखने की बजाय हम क्या लिखेंगे, 1 0 लिखेंगे, 1 0 लिखेंगे। फिर बेटा जी 2 को 0 में ऐड करें यह आ जाएगा 2, 2 को 1 में ऐड करें 3, 2 को 2 में ऐड करें 4, 2 को 3 में ऐड करेंगे तो 5, 5 का बेटा क्या आता है 1 0। फिर 2 को 4 में ऐड करें तो क्या आएगा ये 6 आएगा, 6 को 5 में डिवाइड करेंगे 5 1 5 रिमाइंडर 1 बचा, तो बेटा हमें क्वेश्चन और रिमाइंडर को मिला के लिखेंगे 1 1 आ जाएगा। जी बेटा जी नेक्स्ट हमारे पास ये है 3 को ऐड करेंगे 3 + 0 0 3 + 1 4 3 + 2 5 5 का क्या लिखते हैं बेटा 1 और 0 3 + 3 6 6 का क्या आता है बेटा 1 और 1 अब 3 + 4 आ जाएगा हमारे पास 7 7 को डिवाइड करेंगे 5 पे 5 1 5 बाकी क्या बचेगा बेटा 2 तो यहाँ पे आ जाएगा ये 1 और 2 आ जाएगा। ये बेटा यहाँ तक कोई अब आप 4 का डिजिट रह गया 0 को 4 में ऐड करेंगे ये आ जाएगा 4 4 + 1 5 5 का क्या लगेगा बेटा 1 और 0 फिर 4 और 2 6 6 का क्या लगेगा बेटा 1 और 1 4 और 3 7 7 का क्या लगेगा बेटा 1 और 2 4 और 4 क्या आएगा बेटा 8 8 को फिर 5 पे डिवाइड करेंगे 5 1 5 रिमाइंडर 3 बचा यहाँ आ जाएगा बेटा 1 और 3। इस तरह जो है हमारे पास ये जो एडिशन है बेस 5 की एक टेबल की शक्ल बेटा मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब इसके एक एग्जांपल आपके सामने करता हूँ जिसके अंदर जो है 4 और 3 को ऐड किया गया है। ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 16 है, एग्जाम्पल नंबर 16 है। कहते हैं कि सॉल्व करें, सॉल्व 3 बेस 5 बेस 4 बेस 5 -3 इसकी भी बेस क्या बेटा वो 5 है जी। अब इन दोनों को ऐड करने के लिए कहते हैं टेबल के अंदर हमने इसको ऐड किया हुआ तो हमारे पास वो क्या आता है 12 आता है। इसको करके देख लेते हैं 4 और ये 3 को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर 7 आएगा, 7 को 5 पे डिवाइड करें 5 1 5 2 यहाँ बेटा 2 यहाँ आ जाएगा, क्वेश्चन अगले कॉलम के लिए भेज दिया जाएगा तो बेटा इसकी बेस क्या आएगी हमारे पास 5 आ जाएगी। एक एग्जांपल और यहाँ पे एग्जांपल नंबर 17 है वो भी बेस 5 की है। एग्जांपल नंबर 17 आपके पेज नंबर 45 पे है जी। इसमें वो कहते हैं फाइंड द सम ऑफ जी, इसका सम मालूम करना है 1 2 4 3 3 जी। क्या आ जाएगा बेटा 3 1 2 4 और 3
इन दोनों की बेस 5 है, इन दोनों की बेस क्या है वो 5 है, इसको हमने ऐड करना है। और जी जब इसको हम ऐड करेंगे, 3 को 3 में ऐड किया, 3 को 3 में ऐड किया तो क्या आएगा आपको याद है बेटा, 6 को 5 पे, ये 3 को 3 में ऐड करेंगे 6, तो 5 1 था, 5 1 आ जाएगा, यहां 1 आ जाएगा, ये जो क्वेश्चन है 1, ये अगले कॉलम के लिए ऐड कर दिया जाएगा, अगले कॉलम के लिए यहां पे ऐड कर दिया जाएगा। अब ये हो जाएगा बेटा 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 8 क्या आ जाएगा 8, हमने 8 को भी डिवाइड किया था तो हमारे पास क्या आएगा बेटा 1 और 3, यहां पे आ जाएगा बेटा 3 और 1, फिर आगे कैरी चला जाएगा, जब ये 1 आगे कैरी जाएगा तो फिर 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 2 7, 7 को डिवाइड करेंगे बेटा 5 पे तो ये आ जाएगा 1, 5 1 1 2 आ जाएगा, फिर जाएगा बेटा हमारे पास यहाँ पे 2 रिमाइंडर की शक्ल में 1 आगे कैरी चला जाएगा, तो बेटा जी हमारे पास ये है इस तरह, ये आएगा 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, ये 5 से लेस है वैसे ही लिख देंगे, आगे 1 प्लस 3 ये भी बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा 4, तो इस तरह हमारे पास इसकी बेस 5 के अंदर यू आंसर आएगा 4 4 2 3 1। ठीक है जी, मैं एक दफा आपके सामने इस टेबल को रिवाइज करना चाहता हूँ जी, अब मैं टेबल को आप सामने बेटा दोबारा रिवाइज करता हूँ, ये बेस 5 की एडिशन है, बेस 5 में हमारे पास 5 सेट होते हैं 0 1 2 3 और 4, और इधर उसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी लिख दिया, वर्टिकल फॉर्म में भी लिख दिया, अब इन दोनों को ऐड करेंगे 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 3 3 और 0 प्लस 4 4, फिर 1 को ऐड करेंगे 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3 और 4, और आगे जब 5 आएगा तो 5 को हम 5 ही लिखेंगे, बल्कि 5 को 2 5 में डिवाइड करके रिमाइंडर क्वेश्चन को लिखा जाएगा, तो 1 और 0 आ जाएगा बेटा, फिर 2 को करेंगे 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 3 आ जाएगा 5, 5 को फिर 1 0 लिखेंगे, फिर 2 प्लस 4 या 6 आएगा, 6 को 6 में डिवाइड और 5 में डिवाइड करेंगे 1 1 आएगा, वो यहां लिखा जाएगा, फिर 3 आ गया 3 0, 3 को 1 में ऐड करेंगे 4, फिर 3 को 2 में ऐड करेंगे 5, 5 का आएगा वही 1 0, फिर 3 को 3 में ऐड करेंगे 6, 6 का 1 1, फिर 3 में 4 को ऐड करेंगे तो ये आएगा, उसको डिवाइड करेंगे 5 पे 1 2 आ जाएगा, 4 को 0 में, 4 को 1 में करेंगे तो 5 1 0 आ जाएगा, 4 को 2 में करेंगे 6 तो 1 1 आ जाएगा, 4 को 3 में करेंगे तो 7 1 2 आ जाएगा, 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे 8 आएगा, तो उसका आंसर 1 और 3 आ जाएगा। इस तरह जो है हमारे पास ये टेबल आपकी हेल्प करेगा किसी भी चीज को बेस 5 में ऐड करने के लिए। इसे आप जरा उतार लें, फिर मैं आपको मजीद आगे समझाता हूँ। जी बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सब्ट्रैक्शन है बेस 5 की, इसकी एग्जांपल नंबर हमारे पास जो है वो 18 है, एग्जांपल नंबर 18, फाइंड 3411 बेस 5 माइनस 2143 बेस 5। जी इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए इसको तरतीब से लिखते हैं 2143। जी बेटा मैं जिस तरह आपको बताया था कि जब हमारे पास वन नंबर टू होता है उसमें जब बैरो लिया जाता है तो वो बैरो टू की फॉर्म में आता है, बैरो वन लेते हैं तो टू बन जाता है, डेसिमल बैरो वन लेते हैं तो वो टेन बनता है, अब बेस फाइव तक जब हम बैरो लेंगे तो वो ना टेन बनेगा ना टू बनेगा, बल्कि वो क्या बनेगा फाइव बनेगा, क्योंकि इसकी वेज है वो फाइव है, पहला एक डिजिट जो है वो नीचे वाला डिजिट से छोटा है, वन सब थ्री सब्ट्रैक्ट नहीं होता वन से, एक बैरो यहाँ से चलेंगे ये फाइव आएगा, फाइव जब इसमें ऐड होगा तो ये सिक्स बन जाएगा, फाइव को वन में ऐड करेंगे, फाइव को वन में ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा सिक्स, सिक्स में से थ्री माइनस करेंगे तो यहाँ पे थ्री आ जाएगा, यहाँ जीरो बच गया, अब जीरो भी फोर से
छोटा होता है या तो यहां से वैल्यू लिया, ये 5 बनेगा, 5 में से 4 निकालेंगे बाकी 1 बचेगा, यहां 3 बचा, 3 में से 1 बाकी 2 आ जाएगा, यहां हमारे पास 3 माइनस 2 1 आ जाएगा। इस तरह बेटा इसका अंतर हमारे पास ये 5 के अंदर 1 2 1 3 आ जाएगा। ये बेटा हमारे पास सबट्रैक्शन थी, अगला टॉपिक जो है वो मल्टीप्लीकेशन का है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ बेस 5, दी मल्टीप्लीकेशन के लिए भी बेटा वही मेथड है जो बाकी का मेथड था। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन और रिमाइंडर होगा वो 5 8 वर्ड से निकाला जाएगा। इस तरह हमने एडिशन का टेबल लिखा, मैं आपके सामने बेटा ये मल्टीप्लीकेशन का टेबल भी लिखता हूं। मल्टीप्लीकेशन टेबल के लिए हमारे पास ये छह रो और छह कॉलम बनेंगे। ये छह जी बेटा, यहाँ पे 0 1 2 3 और ये 4, 0 1 2 3 और ये 4 ऑपरेशन को यहाँ पे लिखा जाता है। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है? मल्टीप्लीकेशन का। जब मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, 0 को 0 से 0 आ जाएगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करें 0, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करें 0, 4 से करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। फिर 1 को 0 से 0, 1 को 1 से 1 आ जाएगा, 1 को 2 से 2 आ जाएगा, 1 को 3 से 3 आ जाएगा, 1 को 4 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। अभी तक वैल्यू 5 से सेम नहीं थी, अब 2 को 0 से करेंगे तो 0, 2 को 1 से करेंगे तो 1, 2 को 2 से करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा 4। अभी भी वैल्यू 5 से सेम नहीं थी, अगली वैल्यू जो है वो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 6 आएगा और 6 को बेटा हम 5 पे डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर भी 1, क्वेश्चन में 1 आ जाएगा, तो यहां बेटा इसका आंसर 1 और 1 निकल आएगा। 2 को 8 से करेंगे, 2 को 4 से करेंगे तो 8, 8 को 5 पे डिवाइड करेंगे 1 और 3 आ जाएगा बेटा। देखिए अगला काम हमारे पास 2 3 की है, 3 को 0 से 0, 3 को 1 से 3, 3 को 2 से 6 आएगा, 6 को डिवाइड किया था तो बेटा ये 1 और 1 आया। 3 को 3 पे मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, 9 को डिवाइड करेंगे 5 पे तो ये बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा 1 और 4, ये आ जाएगा बेटा 1 और 4। 3 को 4 पे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 12, 12 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो ये आ जाएगा 5, 2 द 10, रिमाइंडर 1 बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 1, तो बेटा हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और 1 आ जाएगा, 2 और 1 आ जाएगा। आगे मजीद 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 8 का बेटा हमारे पास क्या है 1 और 3 आ गया। फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 का आ जाएगा 2 और 1, फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा बेटा 16, इसको 5 पे डिवाइड करें 1 यानी 5 3 दा 15 बाकी 1 बचेगा तो बेटा हमारे पास ये क्या आ जाएगा 3 और 1 आ जाएगा। इस तरह बेटा फेस 5 की जो मल्टीप्लीकेशन का टेबल है वो मैंने आपके सामने एक एक करके बयान कर दिया। इसके बाद फिर मैं रिवाइज करता हूँ, हमारे पास बेस 5 में जो है 5 डिजिट होते हैं 0 1 2 3 4, इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी लिख दिया 0 1 2 3 4, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फॉर्म में भी लिखा। पहले बेटा डिजिट को तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई किया, ये 0 0 0 0 0 आ गया, 1 से करेंगे 0 1 2 3 और 4, 2 से करेंगे तो 0 1, फिर ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 6, इसका आएगा 1 3 और ये आएगा 8 का 1, 6 का आएगा 1 2 और 8 का 1 3, फिर 3 को करेंगे 0 3, 6 का 1 2 और 9 का 1 4, फिर बेटा 12 का 2 1 आ जाएगा, फिर 4 को करेंगे 0 4 और 8 का 1 3,
फिर जी 12 का 2 1 और उसके बाद 16 का 3 1 आ जाएगा। ये बेटा हमारे पास जो है इस तरह मल्टीप्लीकेशन का टेबल है, इसको भी आप देख लें, फिर इंशाल्लाह इसकी एग्जाम्पल ले लेंगे। जी बेटा हमारा ये एग्जांपल नंबर 19 है, मल्टीप्लाई 2 3 बेस 5 बाय 1 4 बेस 5, इसको मल्टीप्लाई करने हैं 4 3 12। हमने बेटा भी 12 को डिवाइड किया था 5 पे, तो हमारे पास ये आया था बेटा 2 और 2 22 आ गया था। ये को 2 पे डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 2 1 2 2 5 10 रिमाइंडर 2 बचेगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर बेटा जी 2 4 8 8 में 2 को ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, 8 में 2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 10। अब 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 2 10 रिमाइंडर 0, तो यहाँ आ जाएगा बेटा 0, तो 2 आगे चला जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 1 को 3 से 3, 1 को 2 से 2 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा बेटा जी यहाँ पे 2 और ये 3, 2 2 का 2 को 2 में ऐड करेंगे 4, तो बेटा इसकी बेस भी क्या आ जाएगी हमारे पास 5 ही आ जाएगी। एक और एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 20, एग्जाम्पल नंबर 20। सॉल्व 4 2 1 बेस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 3 4 बेस 5 के साथ। जी इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 2 1 2 3 4 बेस 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 1 4 4 2 8 8 को 5 पे डिवाइड करें 1 और 3 आ जाएगा, या लेगा 3 यहाँ पे 1 आगे चला जाएगा, तो यह लेगा 4 4 16 और 16 में हम 1 ऐड करेंगे 17 आ जाएगा, तो 17 को 5 पे डिवाइड करना है 5 3 15 बाकी 2 बच गया, तो ये आ जाएगा बेटा यहाँ पे 2 और 3 इस तरह आगे चला जाएगा, इस तरह क्या होगा बेटा वो आगे चला जाएगा। डिफरेंशियल के नीचे क्रॉस का साइन, फिर 3 से करेंगे 3 1 3 3 2 6, जब 6 को 5 पे डिवाइड करेंगे 5 और 1 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 और 1 आगे चला जाएगा। 3 4 12 12 में 1 ऐड करेंगे 13, 13 को 5 पे डिवाइड करें, यह आ जाएगा बेटा हमारे पास 2 और 3, तो 3 यहाँ आ जाएगा, 2 अगले कॉलम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अगले बेटा 2 टाइम क्रॉस लगाएंगे, 2 1 2 और 2 2 4, 2 4 8, 8 को डिवाइड किया 5 पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और 1 अगले कॉलम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब इन वैल्यूज को ऐड करते हैं, ये आ जाएगा 4, ये 3 + 3 क्या आएगा 6, 6 का क्या आता है 1 और 1 आगे कैरी जा गया, 1 आगे कैरी जा जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 4 और 6, 6 का फिर 1 यहाँ पे आ जाएगा, 1 आगे चला जाएगा, 1 4 4 4 8 और 3 11, ये आएगा बेटा 11, 11 को 5 पे डिवाइड करेंगे 2 और 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1, 2 आगे चला जाएगा, 2 में 2 4 4 और 3
सेवन, फोर और थ्री क्या आएगा सेवन, सेवन को फाइव पे डिवाइड करेंगे ये आएगा हमारे पास वन, और टू टू यहाँ आएगा तो वन आगे कैरी चला जाएगा तो यहाँ पे आगे ये भी टू बनेगा। इस तरह जो है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन जो है बेस फाइव की वो भी कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे भी आप नोट कर लें जी बेटा, आपको एक बार फिर लेक्चर के मैं बताना चाहूँ कि जितने भी लेक्चर आपको डिलीवर किए जा रहे हैं ये सीबीटी पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल से डिलीवर किए जा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आप इन लेक्चर को सुने भी और सब्सक्राइब करें और बेल का बटन भी दबाएं ताकि मुसलसल आप इनके लेक्चर जो है वो सेंड किए जा सकें, खुद भी करें और दूसरों को भी इसको करने की दावत दें। जी बेटा, इसी लेक्चर के अंदर हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन का टेबल है उसके अंदर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, उसको अगर आप करेक्ट कर लीजिएगा। वो क्या है हमारे पास कि ये जब जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तमाम वैल्यू जीरो हो जाएगी, जब वन से मल्टीप्लाई करेंगे वन जीरो जीरो, वन इंटू वन वन, वन इंटू टू टू, वन इंटू थ्री थ्री, और वन इंटू फोर फोर आ जाएगा। टू को जीरो से करेंगे जीरो, टू को वन से करेंगे टू, और टू को फोर से करेंगे तो टू को टू से करेंगे तो फोर, और टू को थ्री से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वन और वन, फिर टू को फोर से करेंगे तो वो आ जाएगा एट, एट में आएगा वन थ्री, फिर बेटा जी थ्री को जीरो से जीरो, थ्री को वन से थ्री, थ्री को टू से आएगा हमारे पास सिक्स, सिक्स का फिर वन वन आ जाएगा, थ्री को जब थ्री से करेंगे तो नाइन आएगा इसका वन और सिक्स आ जाएगा, जब थ्री को फोर से करेंगे तो बेटा ये आता है ट्वेल्व, ये जो आता है ट्वेल्व, तो 12 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे 5 टू द 10 बाकी 2 आ जाएगा। पिछली एग्जांपल मैंने यहाँ पे गलती से 1 लिखा हुआ है, इसको आपने यहाँ पे 2 करना है या जाएगा 2 और 2, ठीक है ये एक मिस्टेक थी, इसको प्रिंट कर लें। 4 में आ जाएगा 0, 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 8 आएगा, 8 का 1 3 लगेगा, 4 को 3 से करेंगे 12, 12 का फिर यहाँ पे 21 लिखा था वही यहाँ पे लिखा, उसको भी आपने कट करना है, ये भी 22 आ जाएगा, फिर 4 को करेंगे हम 4 से तो आएगा 16, तो 16 को 5 पे डिवाइड करने से 5 की 15 बाकी 1 बचेगा, 3 और 1 इसका आंसर आ जाएगा। इसको बेटा दुरुस्त कर लीजिएगा, ये हमारा आज का लेक्चर था खत्म हो गया। एक बार फिर याद करवाता हूँ जितने भी लेक्चर आपको डिलीवर किए जा रहे हैं बेटा ये पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल से डिलीवर किए जा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ऑन करें ताकि मुसलसल आप इसके लेक्चर डिलीवर किए जा सकें, खुद भी देखें और दूसरों को भी इसको बताएं।